नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया टीवी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। बदायूं पुलिस ने मां द्वारा अपने प्रेमी किराएदार और उसके दामाद से ही अपने पुत्र की हत्या करवाने की घटना का खुलासा किया है। बदायूं के उजानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बुर्रा फरीदपुर के रहने वाले नत्थू ने विगत 25 अगस्त को अपने नाबालिग पुत्र हिमांशु की मई ई रिक्शा की गुमशुदी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन उसके बाद भी हिमांशु का कहीं पता नहीं चला। फिर अगले दिन थाना जरीफ नगर के एक खेत में शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी शिनाख्त होने के उपरांत पता चला यह शव गुमशुदा हिमांशु का है। पुलिस द्वारा घटना के जल्द अनावरण के लिए कई टीमें गठित की गई तथा मुखबिरों को लगाया गया, जिसके बाद चौंकने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने मामले में ब्रह्मपाल को गिरफ्तार किया, वहीं हिमांशु की मां ममता को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों ने जो कहानी बताई वह बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल ब्रह्मपाल और मृतक हिमांशु की मां ममता के बीच प्रेम संबंध हो गए थे, जिसकी जानकारी हिमांशु को हो गई थी। इस बात को लेकर हिमांशु ने कई बार अपनी माँ को समझाया, जिसके बाद उसका ब्रह्मपाल और अपनी माँ से कई बार झगड़ा भी हुआ। इसके बाद ब्रह्मपाल और ममता ने मिलकर हिमांशु को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। ब्रह्मपाल अपने दामाद राजू के साथ हिमांशु को DL बनवाने के लिए ले गया। रास्ते में इन लोगों ने शराब पी, जिसमें हिमांशु को ज़्यादा शराब पिला दी गई। नशे की हालत में इन लोगों ने हिमांशु के गले में रस्सी का फंदा डालकर हत्या कर दी। वहीं पूरे मामले पर SP ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा का कहना है कि उजानी थाने में एक बच्चे की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, बाद में उसका शव जरीफ नगर थाना क्षेत्र के एक खेत में मिला। घटना के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि मृतक की मां का संबंध मकान में रहने वाले किराएदार से हो गया था। पुत्र द्वारा इसका विरोध किया जाता था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई गई। किराएदार और उसके दामाद ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। किराएदार और मृतक की मां को गिरफ्तार कर लिया गए, जबकि किराएदार का दामाद अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। जनपद बदायूं के थाना उजानी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय बच्चा की गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसके बाद उस बच्चे का शव थाना जरीफ नगर क्षेत्र के एक धान के खेत में मिला था, जिस संबंध में थाना उजानी पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। ये अज्ञात हत्या थी, जिसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना उजानी और SOG की टीम को लगाया गया था और उनके द्वारा इसमें मात्र 12 घंटे के अंदर ही जो इसका मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। उसके साथ साथ कड़ाई से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो मृतक है उसकी मां का संबंध अपने किराएदार से हो गया था और उसी संबंधों के चलते चूंकि इसका पुत्र इसका विरोध करता था, आपत्ति करता था, उसको रास्ते से हटाने के लिए इसकी मां के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया और इसमें उस किराएदार की और उसके एक दामाद की सहायता से इस बच्चे को बहला फुसला के पहले टिर्री के साथ बुलाया गया और उसका गले से फंदा लगा करके उसकी हत्या कर दी गई। और इसके संबंध में जो टिर्री है यानी कि ई रिक्शा, वो उसके दामाद से बरामद हो गया है और वर्तमान में दो अभी गिरफ्तार हो गए हैं। उसका दामाद अभी फरार है, उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और मृतक के जो हत्या करने के बाद जो कपड़े उन्होंने खेत में छुपाए थे वो उनकी निशानदेही पर बरामद हो चुके हैं और इसमें शीघ्र ही विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी।